दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है उन टिकटॉकरों के लिए और हैलो के लिए भी और लाइकी ऐप पे जो वीडियो बनाते थे और वीडियो क्रिएट करते थे उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने जो है इंडिया की सरकार ने इन चाइनीज़ ऐपों के लिए एक 79 क्वेश्चनों की लिस्ट भी दी है। अगर ये चाइनीज़ ऐप उस लिस्ट को जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, अपने ऐप में चेंजेस करते हैं इस पॉली के तहत, तो जो है हमारे बीच टिकटॉक बहुत जल्द आने वाला है, वो भी 23 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, 23 जुलाई तक टिकटॉक जो है हमारे बीच होगा। तो दोस्तों मैं आपको इस बारे में बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर टिकटॉक वापस आ जाता है तो उसमें आपका अकाउंट, आपके जो वीडियोस, वो आपको क्या मिल पाएंगे तो कैसे मिल पाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा विद प्रूफ के साथ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं आर के सेम यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को भी प्रेस कर दें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 59 ऐप चाइनीज़ के बैन कर दिए थे डाटा की सिक्योरिटी के लिए। उसका जो मानना था कि चाइनीज़ ऐप ये जो यूज़रों का डाटा है जो दूसरे सर्वर पर अपलोड करते हैं, डाटा चोरी का आरोप लगा था। लेकिन उसी बीच जो है सरकार ने अभी इस समय जो है चाइनीज़ ऐपों के लिए बहुत ही राहत की बात की है, क्योंकि ये जो पेशकश की है 79 क्वेश्चनों की, वो इन चाइनीज़ ऐपों से की है। इसके जवाब मांगे हैं 22 तारीख तक। तो इसके जवाब जो है, सबसे पहले जो इससे स्पीड में अगर काम कर रहा है वो है टिकटॉक। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आपका अगर जो टिकटॉक वापस आ जाता है या लाइकी वापस आ जाता है तो आपको जो है अकाउंट कैसे मिलेगा। दोस्तों ये सर्वर पर जो है हमेशा अपलोड रहता है। हम किसी ऐप पर अगर आईडी बनाते हैं तो हम भले ही चाहें अपने फ़ोन से उसे डिलीट कर दें, लेकिन जो उस ऐप के जो सर्वर होता है उस सर्वर पर जो है हमारा डाटा सेव हो जाता है और वो अपलोड रहता है, चाहे वो हम अकाउंट जो है उसे डिलीट कर दें तब भी। तो इसे रिकवर करने के लिए आपका फ़ोन्स होगा, ईमेल्स होगा, इस ईमेल्स के जरिए आप अपने डाटा को जो है, अपने वीडियो को जो है वापस ला सकते हैं। और एक बात तो ये है कि इसमें जो आपका डाटा होगा तो इसमें कुछ वीडियो जो है आपके डिलीट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो 79 जो क्वेश्चनों की लिस्ट जो है टिकटॉक को जारी की गई है उसमें जो है कुछ बदलाव किए जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी में और उसकी सिक्योरिटी में। तो इसके अंतर्गत आने वाले अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस को अगर वायलेट करते होंगे आपके वीडियो, तो टिकटॉक आपकी वीडियो को उड़ा देगा और वह वीडियो रखेगा जो इसके खिलाफ नहीं है, उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है, तो वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 2 बिलियन वीडियो जो है टिकटॉक उड़ाने वाला है। टिकटॉक अपने सर्वर से इसमें कुछ बदलाव करना शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि किस प्रकार जो है टिकटॉक अपने ऐप्स में बदलाव करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि टिकटॉक को जो है 22 जुलाई तक इसको सरकार को जवाब देना है उन 79 क्वेश्चनों का। तो टिकटॉक ने बहुत ही तेज़ी से जो है अपने ऐप में बदलाव करना शुरू कर दिए हैं। और आपसे अपील है कि आप जो टिकटॉक अगर वापस आ जाता है तो दोस्तों आप जो है जो लड़के हैं, जो मैंस हैं, वो लड़की बनने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लड़की तो बन सकते हैं, माँ कभी नहीं बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप जो है कॉन्टेंट बनाइए, सब कुछ बनाइए, और लेकिन ऐसा ना करें, ऐसी वल्गैरिटी ना फैलाएं तो अच्छा होगा। एक रियल टैलेंट दिखाइए जो आपका टैलेंट है। तो दोस्तों आपको इस खबर से कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टिकटॉक वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या लाइक ही वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और आपको ऐसे ही लगातार वीडियो मिलती रहेंगी जानकारी के लिए।